मोहनदास करमचंद गांधी बचपन से ही मेधावी थे। वे उच्च शिक्षा पाना चाहते थे। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई के बाद वे भारत लौट आए और बैरिस्टर बन गए। अफ्रीका में रहने वाले भारतीय अंग्रेजों से परेशान थे। गांधी जी ने वहां रहने वालों को न्याय दिलवाया। भारत लौटने पर उन्होंने जब देश की दुर्दशा देखी तो बैरिस्ट्री छोड़कर देश की सेवा में लग गए। भारत की समस्याओं को अच्छी तरह जानने के लिए वे पूरे देश में घूमे। घूमते घूमते वे बिहार पहुंचे। वहां बहुत भूखमरी थी। वे नदी किनारे बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। उन्होंने देखा एक महिला आई। उसके आधे शरीर पर कपड़ा था, वह भी मैला कुचेला। महिला के गंदे कपड़े देखकर गांधी जी बोले, तुम अपना कपड़ा क्यों नहीं धोते हो? इतना आलस्य करना ठीक नहीं है। महिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बापू, मेरे पास दूसरा कपड़ा नहीं है, इसे मैं कैसे धोऊं? यह सुनकर गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी भारत माता के पास अपना शरीर ढकने के लिए चिथड़ा भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उस महिला को दे दी। उन्होंने अपना अंगरखा भी त्याग दिया और प्रतिज्ञा की, जब तक मेरा देश आजाद नहीं हो जाता तथा गरीब से गरीब को भी शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिल जाता, तब तक मैं भी केवल एक ही लंगोटी में रहूंगा। लाज ढकने के लिए एक लंगोटी ही काफी है।